Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today our lecture active and passive 4. Iske saath hazir hain. Active and passive voice ka lecture number 4. Previous lecture we have tried and practiced and solved the interrogative, conformative interrogative questions into passive voice. Today we will learn the informative questions into passive voice. Dekhi, samay nahi koish kijiye. Sentence number 1. Informative कौन सा होता है what, when, why, who, which, okay, और how many, these are the informative questions. Try to understand, formula यही रहेगा. देखिए इस formula को अपने जहन में रखिए, ठीक है. इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा समझ आएगा. Just suppose what, WHAT, what is he doing, okay. That is the question. What is he doing? चलें और कर लेते हैं. What is he doing here? Clear कर दें. What is he doing here? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक. अब देखिए अक्सर ये होता है कि what is he doing? तो भाई what is already object here? अब यहाँ हमें object तलाश करने की ज़रूरत नहीं है. भाई what object ही का तो answer है. Suppose eating, sleeping, running, reading, what? तो व्हाट आंसर है, ऑब्जेक्ट ये खुद है. तो इसलिए जरूरत नहीं इस व्हाट को यहीं रहने दीजिए, ठीक है. व्हाट को यहां से रिमूव करने की नीड नहीं है. व्हाट अपना एज इट इज आ जाएगा. व्हाट, ओके. अब यहां इज आएगा, हिम आएगा, इज आगे व्हाट के साथ. व्हाट इज ही, व्हाट इज. अब देखिए ये आ गया बस व्हाट इज. बी फॉर्म के लिए जगह छोड़ दीजिए, ठीक है. देख लेते हैं, ठीक है. और डू, डू की थर्ड फॉर्म डन, ठीक है. डी ओ डन. And here ऐसे आ गया, ठीक है. What is, B की जगह छोड़ दी, B form की अभी हमने जगह छोड़ दी, ठीक है. Done लेने here और he converted into by object him, okay. He objective case में him हो गया, objective case है. What is done here by, अब देखिए अब हमने B verb की जगह छोड़ दी. तो ये देखिए verb की कौन सी form है भाई, first form है, ठीक. Verb की कौन सी form है, first form है, ठीक. ये जो फर्स्ट सॉरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इट इज द फोर्थ फॉर्म गोइंग. तो हम क्या करेंगे, बी की फोर्थ फॉर्म जाइए. बीइंग ये रहा यहाँ पर, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, बीइंग लिख दीजिए जनाब. तो व्हाट इज बीइंग, बी ई आई एन जी बीइंग, ये हो गया. व्हाट इज बीइंग डन हियर बाय हिम, ओके. व्हाट इज बीइंग डन हियर, क्या किया जा रहा है यहाँ पर बाय हिम. वेरी सिंपल, वेरी इजी आंसर, आई थिंक सो यू गॉट इट, ओके. सेंटेंस नंबर टू, अगर ये लिखा हुआ है what do you read daily, तुम रोजाना क्या पढ़ते हो भाई. अब देखिए what is, भाई अगर पूछा जाए what do you read, आंसर दिया जाए तो कोई ऑब्जेक्ट है ना जिसके रीड दे रहे, तो ऑब्जेक्ट तो खुद है यहाँ पर, ठीक है. तो इसके लिए भी नीड नहीं, हम क्या करेंगे what ऐसे आ जाएगा, ठीक है. what, ठीक. लीजिए बी वर्ब को छोड़ दीजिए, देखिए व्हाट रीड, बी वर्ब छोड़ दीजिए. रीड की थर्ड फॉर्म क्या है, रेड लगा दीजिए, आर ई ए डी रेड आगे, ठीक है. डेली लगा दीजिए, डी ए आई एल वाई डेली. यू ऑब्जेक्टिव केस ले आइए सर, यू हो गया, ठीक है. तो क्या हो गया व्हाट रेड डेली, नहीं. अब देखिए हमारे पास अब यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, और ये यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक. तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हम इसकी फॉर्म देखेंगे हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है. तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म ले आएगी, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, तो क्या डू की जगह क्या आएगा, या तो इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा. अब हमने देखना है कि ये ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट का नहीं पता तो इज लगा दिए. व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज रेड डेली बाय यू, यहाँ पे बाय लगाएंगे, ठीक है. बाय हम भूल गए थे, तो व्हाट इज रेड डेली बाय यू, getting, what is that, क्या पढ़ा जाता है, ठीक है. जो भी पढ़ा जाता है वो ऑब्जेक्ट है. getting, do you understand my words, मेरे words समझ आ रहे हैं आपको, ये बात है. तो इसको अपने ज़हन में रखिए, देखिए कितने आसान है पैसिव बनाना, ओके. what के हो गए, what के और भी बहुत से हो सकते हैं, किसी भी टेंस में ले जाए. देखिए नेक्स्ट हम what के एक एग्जाम्पल देते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, फॉर्मूला यही है, ठीक है, बस रिप्लेसमेंट है. देखिए अगर ये गाना है What was he singing? S-I-N. Singing.
What was he singing? वो क्या गा रहा था? What was he singing? वो क्या गा रहा था? अब देखिए, what मैंने कहा वो object किसी का answer है तो what ऐसे आएगा, ठीक है? What लीजिए be form छोड़ दीजिए, be form के लिए जगह छोड़ दी, singing sing sing की third form है s u n g sung हो गया, ठीक है? Violin he convert हो जाएगा किसमें? Him में, object case हो गया, objective case, ठीक है? Him तो what, अब देखिए जनाब was जो है ये अपनी जगह पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है? Was को हम ये was को ले आए, अब ऐसे आ गया was, ठीक है ना? What was, अब ये देखिए जो form है verb की कौन सी form है? Fourth form है, ले आइए be की fourth form, क्या है? Being, B-E-I-N-G, being, समझ आ गया? What was being sung by him, very easy, कितना आसान हो गया ये? What तो खुद object होता है ना बेटा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी जगह पे वैसे देगा, get it? Do you understand? Okay. Next. Next हमारे पास है, suppose, past में ले लेते हैं, what did he write yesterday? अब देखिए, What did he write yesterday? समझी जी, what को तो ऑब्जेक्ट है, जो भी होगा वो बताना पड़ेगा, ठीक है? What अपनी जगह पे है, बी वर्ब छोड़ दीजिए, बी वर्ब की जगह, बड़ा आसान तरीका है इसका, ठीक है? राइट की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, क्या होती है? रिटन, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, रिटन, ओके? व्हाट रिटन, ओके, ले आइए बाय हिम यस्टरडे, शुरू में भी ला सकते हैं और आखिर में भी, ये इससे पहले भी ला सकते हैं, लेकिन इससे पहले, अब देखिए, अब यहां पर देखिए हमें हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म देखनी पड़ेगी, ये पहले बताया था मैंने, ठीक है? ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है? वर्ब की सेकंड फॉर्म बी क्या है? बी की सेकंड फॉर्म क्या? वाज ए वर्ब, तो अब हमें भी यहां पता नहीं ऑब्जेक्ट क्या है, तो वाज लगा दीजिए। व्हाट वाज रिटन बाय हिम यस्टरडे, वेरी इजी, इतना आसान है ये बनाना, इतना मुश्किल नहीं है भाई, एक्टिव एंड पैसिव बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला आपने आप जहन में रखिए, इसको नहीं भूलिए, इसके फॉर्मेट पे बनाते चलिए, ओके? नेक्स्ट, नेक्स्ट में आते हैं, अगर फ्यूचर में आना हो तो फ्यूचर में देख लेते हैं, अभी मैं व्हाट के करवा रहा हूँ, विल कीप वैन के, चले वैन के करवा देता हूँ, सपोज वैन में आ जाते हैं, ये लिखा हुआ है वैन विल यू, वैन विल यू, when will you join join, when will you join the party, question, when will you join the party, okay, when, okay, will you join the party, by what will you join, what का आंसर आ गया, ये रहा ऑब्जेक्ट मौजूद है इसमें, तो हम ऑब्जेक्ट ले आए यहां पर, ठीक है? तो the party, the party, the party, okay, बी वर्ब की जगह छोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है? द पार्टी ज्वाइन की थर्ड फॉर्म लग रहा है, जी ओ आई एन ई डी ज्वाइन, ओके, यू बाय यू ले आइए, बाय यू ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन, तो क्या हो गया द पार्टी, अब देखें यहाँ पर ये जो वैन है ये अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वैन ऐसे आ गया, क्वेश्चन वर्ड एज विल एज इट इज ऐसे आ गया, ठीक है? अब देखिए वैन विल द पार्टी, अब विल तो आ गया, ये ज्वाइन कौन सी फॉर्म है वर्ब की भाई? फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है? आ जाइए बी की फर्स्ट फॉर्म पे आ जाइए, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या? इज ए मार, अब विल के साथ तो इज ए मार नहीं लगता, तो बी ओरिजिन जो है वही आ जाएगा, तो यहाँ पे बी ऐसे आ जाएगा, तो व्हेन विल द पार्टी बी ज्वाइंड बाय यू, अब ये पैसिव बन गया आपका, डू यू गेट माय वर्ड्स, समझ आ रही मेरी बात है? आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, कुछ भी हो सकता है इसमें, जैसे सपोज अगर हम इसे यू लिखें, सपोज when was he eating dinner, D-I-N-N-E-R, dinner,
ये क्वेश्चन मार्क्स है. ओके, व्हेन वाज ही ईटिंग डिनर, ये आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल क्लियर. यस, वी वर टॉकिंग अबाउट मींस व्हेन वाज ही ईटिंग डिनर, वो डिनर कब कर. अब देखिए व्हाट ही वाज ईटिंग डिनर, ले आइए डिनर को यहाँ पर ऑब्जेक्ट में लीजिए, डी आई डबल एन ई आर डिनर. ओके, बी वर्ब की जगह छोड़ दीजिए यहाँ पर, और ये ईट की थर्ड फॉर्म है, ई ए टी ई एन ईटन. ओके, बाय हिम, ही चेंज इनटू हिम. ओके, ऑब्जेक्टिव प्लस देन. अब देखिए यहाँ पर व्हेन ऐसी अपनी जगह पे आ जाएगा, एज इट इज ऐसे आ जाएगा. देखिए व्हेन, ठीक है, व्हेन वाज डिनर थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वाज ऐसे आ जाएगा. देखिए यहाँ पर अब देखिए ईटिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, ले आइए बी की फोर्थ फॉर्म, बी की फोर्थ फॉर्म आ गई बीइंग, तो आ गया सिंपल, क्लियर हो गया. व्हेन ये डब्ल्यू एच ई एन व्हेन, व्हेन वाज डिनर बीइंग ईटन बाय हिम, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया ये बात. व्हेन वाज डिनर बीइंग ईटन बाय यू, आई थिंक सो इट इज क्लियर. ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा. आइए अब थोड़ा फू पे चलते हैं, हूं वाले कैसे बनते हैं. हु के कुछ सेंटेंसेस हैं, सपोज आगे लिखा हुआ है हु विल, हु विल ईट, बड़ा सिंपल है, हु विल ईट, या यूं कर लें सर हु इज मेकिंग, हु इज मेकिंग अ नॉइस, who is making a noise, शोर कौन मचा रहा भाई, तो क्या चीज मचाई जा रही है भाई, a noise है, ठीक है, ले आइए a n o i s a noise, ठीक, b की जगह छोड़ दीजिए भाई यहाँ, बिल्कुल सिंपल, make की थर्ड फॉर्म ले आइए m a d e made है, ठीक है. अब देखिए noise made, अब हमें करना है क्या, by लाएंगे, ठीक है, by, अभी देखिए word समझेंगे, by आ गया, ये जो हु है इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है होम, तो होम ले आएंगे, ठीक है, ये हो गया. और ये जो इज है ये यस इज ऐसे आ जाएगा अपनी जगह पर, इज अ नॉइज, बी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है, ले आइए बी यहाँ पर फोर्थ फॉर्म ले, तो ये आगे बी फोर्थ फॉर्म बी ई आई एन जी बींग, तो देखिए इज अ नॉइज बींग मेड बाय होम, तो इज अ नॉइज बींग मेड बाय होम, ये सेंटेंस स्ट्रक्चरली सही नहीं है. क्यों, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए, जो बाय होम है ना, बाय होम ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसे शुरू में ले आइए, ठीक है, तो ये यहां पर नहीं लगेगा, ठीक है, इसे अब हम क्या करेंगे, यहां ले आएंगे, तो हम लिख देंगे बाय होम, अब हो गया ये, बाय होम इज अ नॉइज बीइंग मेड बाय, अब ये बाय होम यहाँ लगेगा, ठीक है, दैट्स, ये बाय होम बस शुरू में लगा दीजिए, वही फॉर्मूला है, वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ हु को जाहिर सी बात है होम में कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्ट बनाना है. ओके, एक और सेंटेंस देखिए, हु हु विल डू दिस, कौन करेगा ये, हु विल डू इट, इट कर लीजिए, ठीक है, हु विल डू इट, भाई ये कौन करेगा, अच्छा अब ये नहीं पता क्या ऑब्जेक्ट क्या है, इट है, ये व्हाट इज बीइंग डन, इट इट को ले आइए, ठीक है, ये इट छोड़ दीजिए जगह, ठीक है, यहाँ पर ठीक, डू की थर्ड फॉर्म ले आइए, डन, ठीक, एंड फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बाय होम जो हम कह रहे थे यहाँ ले आइए, बाय होम, अब बाय होम जो कि हम नहीं यहाँ पर लगा सकते क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको इसका एक रूल होता है, यहाँ नहीं लगा, इसको रिमूव करें, यहाँ लगा दीजिए बाय होम, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है. Will लीजिए जनाब, as it is ऐसे आ गया, ठीक है, by whom will it, अब देखिए ये do जो है verb की कौन से है, first form है, ले आइए verb की first form be की, क्या आएगा, is, am, are, आ नहीं सकता will के साथ, तो जाहिर सी बात है be आएगा, ठीक है, be आ गया, तो by whom will it be done. अच्छा कुछ लोग यूं करते हैं, जैसे सपोज ये by whom will it be done की जगह यूं लिखते हैं कि by whom it will be done, ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है, इंटरोगेटिव है,
इस इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए अगर बाय होम भी हटा दिया जाए तो जब भी इंट्रोगेटिव ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए विल जो है यहाँ पर पहले आएगा सब इनके दरमियान, इसलिए इंट्रोगेटिव होगा और बाय होम शुरू में आएगा। गेट इट? यहाँ तो समझ आ रही। एक और एग्जाम्पल देता, देयर आर मेनी मेनी एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, देखते हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं आपको समझाने के लिए ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। सपोज अब हमारे पास है हु, who will learn learn, who will learn English, who will learn English, okay, who will learn English with me? अब देखिए, who will learn English with me? भाई कौन कौन है जो मेरे साथ इंग्लिश सीखेगा? अब देखिए भाई, what is being learned? भाई English है, what का answer है? ले English, 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 लीजिए जनाब, B की जगह छोड़ दीजिए, ठीक है, learn की थर्ड फॉर्म, learnt, थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म हो गया, अब भाई यहाँ क्या आना चाहिए था? बाय होम, बाय होम यहाँ लगाने की बजाय आप यहाँ लगा दीजिए शुरू में, विद मी, learn English, learn with me, यहाँ लगा दी WITH, with me, okay। अब बाय होम वहां लगाने की बजाय आप यहाँ लगाइए शुरू में, क्योंकि बता दी गई खुद ऑब्जेक्टिव केस बन गया, होम ऑब्जेक्टिव केस है, अब वहां बाय होम नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ बाय होम लगे, विल एज इट इज यहाँ लगेगा, ठीक है, विल ऐसे जाएगा, तो बाय होम विल इंग्लिश। अब देखिए जो वर्ड है हमारे पास लर्न, लर्न वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई? फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे उठाइए फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, विल के साथ हमारे पास इज एम आर नहीं आ सकता, तो बी जो ओरिजिन फॉर्म है वो लगा दीजिए, By whom will English be learned with me? Get it? अब देखिए अगर by whom को remove किया जाए यहाँ से, तो ये हटा दिया जाए, तो तब भी interrogative ही रहना चाहिए, will English be learned with me? ठीक है, तो ये interrogative कुछ यूँ करते हैं कि वो interrogative के बजाय assertive बना देते हैं। जैसे suppose अगर ये होगा who, बहुत आसान sentence, TEACH, who teaches You, आपको कौन पढ़ाता है? वेरी सिंपल, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, हु टीचेस यू। अब देखिए यू, ठीक है, अब यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको भाई कौन पढ़ाता है? भाई ये पढ़ाता है, ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, मीन्स यू, ठीक है, यू ले आइए, अब यू हम बी की जगह छोड़ दीजिए, टीच की थर्ड फॉर्म है, टी ए यू जी एच टी, डॉट आ गया, अब यहाँ क्या लगाना था, बाय होम, हु कन्वर्ट इन टू बाय होम, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये खुद ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं आएगा, बिगिनिंग में ले आइए इसे, तो क्या होगा, बाय होम हो गया, ठीक है, बाय होम। अब देखिए बाय होम ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब ए कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, बाय होम आर, बाय होम, बाय होम आर यू डॉट, यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ये प्रेजेंट सिंपल है, Who teaches you? आपको कौन पढ़ाता है? तो अब इसका जो क्वेश्चन बनेगा पैसिव में, आपका क्वेश्चन है डू मींस who teaches you? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब जब हम इसको इसमें बनाएंगे तो हेल्प में शुरू में आएगा, आर यू टॉट, ठीक है, अगर ये आ जाए टीचेस यू, आर यू टॉट आपको पढ़ाया जाता है, who teaches you? मींस by whom are you taught? तो आर यू कुछ कहते हैं, by whom you are taught? Wrong. You are taught कर दिया तो assertive हो गया ना, देखें assertive हो गया, इसको हटा दें, assertive, assertive नहीं रहना चाहिए, ये interrogative रहना चाहिए, तो helping verb शुरू में आएगा, इससे पहले helping verb आएगा, तो देखिए आर लगा दी, यू के साथ आर लगाते हैं, तो by whom are you taught? Getting? Object है तो English है, English बता दीजिए, जो भी उसके साथ लिखा है वो आप बना दीजिए, यहाँ तक क्लियर हो रही है ये बात, तो ये इस तरह बनते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फोकस रखिए अपने इस ऑब्जेक्ट पर, इंशाल्लाह यू विल, इट विल वेरी इजी टू मेक और कन्वर्ट द पैसिव वर्ब्स फ्रॉम एक्टिव। ओके, सपोज अगर लिखा हुआ है विच बुक डू यू एल आई के ई लाइक, लीजिए विच बुक डू यू लाइक, अब आपको कौन सी बुक पसंद, डू यू लाइक, ठीक है,
आ जाइए, ये रहा हमारा, ठीक है भाई। हूम किसे, यू की बात हो रही है, आ जाइए यू, ठीक है, लीजिए छोड़ दीजिए जगह इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर डू की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, डू की थर्ड फॉर्म डन हो गई, ठीक है। विच है तो अब हम बाय विच नहीं लगा सकते, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बाय विच नहीं होगा यहाँ पर, अब यहाँ बाय की रीड ही नहीं, अब देखिए क्या होगा, ठीक है। विच बुक डू यू लाइक, ठीक है, विच बुक, अब ये जो विच बुक है ना, तो ये पूरा बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये पूरा हमारे पास ये ही ऑब्जेक्ट, तो विच बुक यही रहेगा, डब्ल्यू एच आई सी एच, विच बुक, विच बुक, ठीक है। अब देखिए यू कौन सी फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, डू, डू वर्ब की कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट में देखा जाएगा ये लाइक है ना, ठीक है, विच बुक, ये डन नहीं आएगा बेटा, ये लाइक है ना, तो एल आई के ई, सॉरी ये लाइट, ये वर्ब की फर्स्ट, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने, ठीक है ना, ये लाइट होगा। अब डू तो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ आ गई, डू की हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म है ऑफ इसकी वर्ब की, इसमें फर्स्ट फॉर्म में आ जाएंगे बी, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, आर, तो अब यहाँ क्योंकि क्वेश्चन बनाना है तो आर यहाँ नहीं आएगा, आर यहाँ आ जाएगा ए आर ई आर, तो क्या हो गया, विच बुक आर यू लाइट, ठीक है, विच बुक आर यू लाइट, अब ये आर जो यू के साथ है बुक के साथ नहीं है, विच बुक डू यू लाइक, विच बुक आर यू लाइट, ओके, या विच बुक आर यू लाइट, यू होगा, ठीक है ना, आपकी बात समझ आ रही है मेरी, ठीक है, गेटिंग ओके। नेक्स्ट, इसी तरह ओके, नाउ दिस वन इज, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे ध्यान में, अभी अभी आया, इसको यूं नहीं बनाएंगे, बल्कि देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, असल में हमारा ऑब्जेक्ट क्या, बुक है, ठीक है ना। अब देखिए विच बुक यहाँ पर, ठीक है, ये इज आ जाएगा, विच बुक इज, ठीक है, लाइक की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें एल आई के ई डी, लाइट, फिर हम लगाएंगे बाय, और यहाँ आ जाएगा यू, ये होगा, विच बुक इज लाइक बाय यू, ये होगा विच बुक, ये विच बुक जो है ना यही तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विच बुक इज लाइक, कौन सी बुक पसंद की जाती है, इज लाइक बाय यू, देखिए यहाँ पर भी वही है, ठीक है, लाइक की थर्ड फॉर्म आ गई, ये जो यू है ना ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको हमने एजेंट है, तो इस एजेंट को यहाँ पर लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव केस, ये जहन से थोड़ा सा निकल गया था, माजरत, इंसान हो सकती है गलती, लेकिन यहाँ पर यह आ जाएगा विच बुक इज लाइक बाय यू, यू हो गई, गेट इट। इसी तरह एक और लेते हैं, सपोज विच कलर, सी ओ एल ओ यू आर, विच कलर डू द पीपल, पी ई ओ बी एल ई, पीपल जी ई एन ई आर ए जनरली लाइक, एल आई के ही लाइक। अब देखिए विच कलर डू द पीपल जनरली लाइक, लोग आमतौर पर कौन सा कलर पसंद करते हैं, ये जो विच कलर है ऑब्जेक्ट यही है, इसको यही रहने दीजिए, इसे को ले आइए, W सब्जेक्ट बनाइए इसका, विच सी ओ एल ओ यू आर, विच कलर, ठीक है, जगह छोड़ दीजिए भाई, ठीक है, यहाँ पर एक। अब देखिए विच कलर, यस, डू द पीपल लाइक, भाई कौन लाइक करता है, पीपल लाइक करते हैं, तो विच कलर, ठीक है, पीपल लाइक, विच कलर जनरली आ जाएगा, जी ई एन ई आर ए डबल एल वाई, जनरली वर्ड आ गया, जनरली एल आई के ई डी, लाइट आ गया, लाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, एडजेक्टिव था ये, यानी ये ऐसी कैसी आ गया, एडवर्ब के तौर पे लाइट आ गया। अब यहाँ हम क्या लगाएंगे, बाय और द पीपल, बाय द पी ई ओ पी एल ई, ये हमारा बन गया एजेंट, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर ये जो लाइट की थर्ड फॉर्म लगा दी, ये जो वर्ब है हमारे पास डू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें बी की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, इज एम आर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ इज आ जाएगा, विच कलर इज, विच कलर इज जनरली लाइक बाय द पीपल, अगर हम बाय द पीपल ना लगाएं तो ये तब भी सही है भाई, यहाँ पे भी सही है, विच कलर इज जनरली लाइक, ऑब्वियसली बाय द पीपल लोग ही हैं जो इसको पसंद करते हैं, ऑब्वियसली है, तो यहाँ पर बाय द पीपल अगर ना लगाएं तो तब भी सही है, तो विच कलर इज जनरली लाइक बाय द पीपल, गेटिंग, ये यू एजेंट था तो ये बाद में बाय के साथ एजेंट हो गया, एक्चुअली ऑब्जेक्ट हमारे पास ये था विच बुक, इसी तरह हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, विच कलर, ठीक है, डू द पीपल लाइक,
ठीक है, यू अंडरस्टैंड, यहाँ पर इस तरह बनेंगे, विच में, व्हाट में, व्हेन में, ओके, एंड हु में सिखा दिए, हाउ वाले, हाउ में भी आ जाइए, हाउ में भी इसी तरह बनेगा, रिमूव करता हूँ मैं इसको और हाउ की एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, ये सपोज हाउ डू यू एस ओ एल वी सॉल्व इट, हाउ डू यू सॉल्व इट, तुम ऐसे कैसे सॉल्व करते हो भाई, किसे सॉल्व करते हो, व्हाट का आंसर ये ना, इट ले आइए, इट को यहाँ पर, ठीक है, इट छोड़ दीजिए जगह, ठीक है, ये हाउ जो है अपनी जगह ऐसे रहेगा, हाउ ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखिए, हाउ सॉल्व की थर्ड फॉर्म देखिए, एस ओ एल वी ई डी सॉल्व हो गया, ये एजेंट है बाय यू, ऐसे ले आए यहाँ पर बाय यू। अब देखिए यहाँ पर, ये डू जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई, फर्स्ट फॉर्म है, ले आइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म ले आइए, तो जो बी की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर है, ठीक है, तो यहाँ ले आइए, हाउ इज इट सॉल्व बाय यू, अब यहाँ पर इज नहीं आएगा, एक्चुअली इज यहाँ पर है, इज इट सॉल्व बाय यू, अब देखिए इट इज सॉल्व बाय यू, हाउ इज इट सॉल्व बाय यू, तो इज इसलिए आ गया कि ये इंट्रोगेटिव है, हाउ इज इट सॉल्व बाय यू, इससे पहले क्वेश्चन आएगा तो ये भी इंट्रोगेटिव रहेगा, तो हाउ में यू भी ले सकते हैं। अब सपोज हाउ के क्वेश्चन, हाउ विल यू गेट दिस थिंग, कैसे हासिल करोगे तुम ये चीज, भाई क्या हासिल करनी है, दिस थिंग, ये आ गया ऑब्जेक्ट, ये ना दिस थिंग लगा दें यहाँ पर, टी एच आई एस दिस, टी एच आई एन जी दिस थिंग, ठीक है, दिस थिंग ऑब्जेक्ट की बी वर्ब के लिए जगह छोड़ देंगे, ठीक है, गेट की थर्ड फॉर्म लगा दी, जी ओ डबल टी ई एन, गॉटन, ठीक है, ये एजेंट ये रहा, बाय के साथ एजेंट लगा दीजिए, बाय यू, ठीक है, ये एजेंट लग गया बाय यू, ठीक, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखिए ये क्या है, हाउ, हाउ अपनी जगह ऐसे आ जाएगा, ये देखिए ये जो हाउ है हमारे पास, ये अपनी जगह ऐसे आ जाएगा, हाउ विल यहाँ पे आ जाएगा, विल आगे। अब देखिए ये गेट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ले आइए बी की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर विल के साथ तो नहीं आ सकती, तो हम क्या करेंगे, बी ले आएंगे, ठीक है, तो क्या हो गया, हाउ विल दिस थिंग बी गॉटन बाय यू, ठीक है, कैसे हासिल की जाएगी। आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, शाद रहिए, आबाद रहिए, फी अमानिल्लाह।